ओके स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग आवर प्रीवियस टॉपिक्स यू कैन आस्क मी. Looking for luxuries, another strategy to identify social differences is to study artifacts. अब क्या है, एक और इनकी जो strategy है जिसे ये पता लगाएं कि सामाजिक differences होते थे या नहीं थे, वो ये है कि जितने भी artifacts होते हैं उनको भी ये अच्छे से study करते हैं. Which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries? अब utilitarian और luxuries दो तरह की चीजों में इन्होंने classify करी है, कैटेगराइज किया है इस चीज को. द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले. जो पहली कैटेगरी है यूटिलिटेरियन, उसके अंदर बेसिकली वो सामान जो रोजमर्रा में यूज होता था और ऑर्डिनरी सामानों से ऑर्डिनरी मटेरियल से बना हुआ है जैसे स्टोन या क्ले, उसको डाला गया है यूटिलिटेरियन में. दीज इंक्लूड्स क्वेंस, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स, ठीक है, एक्सेट्रा, यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स. ये नॉर्मली ये सारी चीजें जो है, क्वेंस हो, पॉटरी हो, नीडल्स हो, बॉडी स्क्रबर्स हो, ये सारी चीजें यूजुअली सब जगह आपको सेटलमेंट में मिल जाती है. आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटीरियल्स और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज. आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स जो इजिली मिलने वाली मटेरियल नहीं होता उससे बने हुए हैं या नॉन लोकल मटेरियल से बने हुए और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, ठीक है, और रेयर मिलते हैं, वो सारी चीजें जो है वो डाली गई हैं लग्जरीज के अंदर. दस लिटिल पॉट्स ऑफ फायंस, अ मटेरियल मेड ऑफ ब्राउन सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड अ गम देन fired were probably considered precious because they were difficult to make. अब छोटे छोटे pots जो हैं, जैसे कि faience, एक तरह का material होता है, ground sand से बना होता है, silica से mixed होता है, colors उसमें mix होते हैं, gum mix किया जाता है और फिर उसको पकाया जाता है, fire up किया जाता है, वो जो है माना जाता है कि वो समय में काफी precious हुआ करता था और उसको बनाना भी काफी मुश्किल है, तो वो एक luxury की तरह है. यहाँ पर आपको एक faience pot जो है उसकी इमेज दी हुई है फिगर 1.12 के अंदर और उससे ऊपर तो कॉपर मिरर था ही. क्लियर है इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम. ये इस तरह के होते हैं फायर स्पॉट, ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर है हरप्पन सिविलाइजेशन वाला, ठीक है, और आज की जो हमारा टाइम है उसमें इस तरीके के मिलते हैं ये, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, फायर स्पॉट कहलाएंगे, ठीक है, क्लियर है? यस मैम. यस मैम. ये सारे हरप्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं. ओके, नाउ अगेन switching back to our chapter. Oh, the situation becomes more complicated when we find what seems to be articles of daily use such as spindle holes made of rare materials such as faience. Do we classify these as utilitarian or luxury? Ab situation jo hai wo aur zyada complicated tab ho jati hai जब यहाँ पर डेली यूज की जो चीजें होती हैं जिसमें स्पिंडल होल्स आ जाते हैं. बेसिकली स्पिंडल होल्स क्या होते हैं, जो अपने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, डिस्क लाइक लगी हुई होती है उस पर, स्पिनिंग करने के लिए होते हैं, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं उनको उनके लिए यूज किए जाते हैं ये, तो उसका यूज बेसिकली ये होता है कि ये जैसे अपने कपड़ा वगैरह होते हैं, यान बनाते हैं, फैब्रिक जो है स्पिनिंग का काम करने के लिए जो बेसिकली काम होता है हाथ से, उसके लिए यूज होते हैं. तो ये जब स्पिंडल होल्स जो है वो इस तरह के मटेरियल फाइंस मटेरियल से बने हुए मिलते हैं, तब ये कंफ्यूजन हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाती है या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन कि क्या ये भी आर्टिफैक्ट ही है, ठीक है, क्या ये भी लग्जरी में आएगा या यूटिलिटेरियन में आएगा. तो
तो ये क्वेश्चन भी उठता है. इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड आर रेयरली फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट्स. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इस तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम देखते हैं कि रेयर ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं और वैल्यूएबल मटेरियल्स जो है वो भी मिल रहे हैं. अधिकतर वैल्यूएबल मटेरियल से मिले हुए बन रहे हैं ये रेयर ऑब्जेक्ट्स. तो जनरली हम उनको उन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो हमें मिली है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और जो रेयरली हमें मिलती है छोटे छोटे सेटलमेंट्स में. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पॉट्स ऑफ फायंस perhaps used as perfume bottles are found mostly in Mohenjo-daro and Harappa and there are none from small settlements like Kalibangan. ab kya hai example ke taur pe bola gaya ki chote chote miniature pots jo hai fine se bane hue wo milte hain aur by chance usse ummeed ki jati hai ki ye perfume bottles ka kaam karte the jo basically kaam liye ye sare chote chote miniature pots Mohenjo-daro aur Harappa mein. और इस तरीके जो छोटे छोटे सेटलमेंट है जैसे कालीबंगन, ठीक है, यहाँ पे इस तरह की कोई चीज नहीं मिलती है. गोल्ड टू वॉज रेयर, गोल्ड जो है वो भी बहुत रेयर था एंड एज एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीशियस ऑल दैट गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द होर्ड्स. अब गोल्ड क्योंकि प्रेशियस चीज थी, आज के जमाने में भी बहुत प्रेशियस है और महंगी भी मिलती है इसीलिए प्रेशियस है, तो उस जमाने में ये चीजें जो है मिलती थी हड़प्पन साइट्स पे से भी मिली हैं रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स यानी ढेर के अंदर से गोल्ड ज्वेलरी जो है वो भी एक तरीके से मिली है इनको हड़प्पन साइट से ही मिली है. तो यानी कि जो बड़ी साइट्स हैं, कहने का मतलब ये है कि स्मॉल सेटलमेंट जो है वहां पर इस तरह की रेयरली फाउंड चीजें जो होती है, रेयरली मिलने वाली चीजें जो होती है वो नहीं मिलती है और लार्जर सेटलमेंट जो है जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है. तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा लार्जर सेटलमेंट्स है और कालीबंगन जो है वो स्मॉल सेटलमेंट्स है. क्लियर है इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. There is one pink box. We will read out this one. Hoards are objects kept carefully by people, often inside containers such as pots. Hoards जैसे जो चीजें होती हैं, वो एक objects की तरह हैं, जो रखी जाती हैं लोगों के द्वारा ध्यान से, और अक्सर ये मिलती हैं containers के अंदर, जैसे कि pots. Such hoards can be of jewellery or metal objects, saved for reuse by metal workers. इस तरह के जो hoards होते हैं, ढेर जो होते हैं, basically वो हो सकते हैं ज्वेलरी के या मेटल ऑब्जेक्ट्स के, जो दोबारा यूज करने के लिए मेटल वर्कर्स के द्वारा रखी जाती है सेव करके. इट इफ फॉर सम रीजन द ओरिजिनल ओनर्स डू नॉट रिट्रीव देम, दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट टिल सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड देम. अगर ऐसे कारण होते हैं जब कोई ओरिजिनल ओनर है उस चीज का, वो इसे इस्तेमाल ना करे, तो वो चीजें वहीं की वहीं रखी रह जाती हैं जब तक कि कोई आर्कियोलॉजिस्ट उसे ढूंढ ना ले. तो ये था हमारा होर्ड्स. क्लियर है? यस मैम. देन वी हैव फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. अब क्राफ्ट प्रोडक्शन को लेकर के कैसे कैसे चीजों को इन्होंने फाइंड आउट किया है और क्या क्या इस्तेमाल हुई भी चीजें इनको मिली हैं, उसके बारे में इन्होंने क्या अपने चीजों का एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करी है, वो सब देखते हैं. लोकेट Mohenjo-daro on map 1. This is a tiny settlement, less than 7 hectares as compared to Mohenjo-daro 125 hectares, almost exclusively devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and wake making. अब आपको map 1 के अंदर Mohenjo-daro देखना है, वहां पे ये आपको दिखेगा छोटा सा सेटलमेंट है जो करीब 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है. अगर कंपेयर किया जाए Mohenjo-daro से तो काफी छोटा है, क्योंकि Mohenjo-daro जो है वो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है. ऑलमोस्ट सारी क्राफ्ट रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे मिली हैं, जैसे कि बीड बनाने की चीज, शेल काटने की, मेटल वर्किंग की या सील मेकिंग की या वेट मेकिंग की. द वेराइटी ऑफ मटीरियल यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल. स्टोन्स लाइक कार्नेलियम of a beautiful red color, jasper, crystal quartz and steatite, metals like copper, bronze and gold and shell and faience and terracotta or bun clay. अब कई सारी वैरायटी के यहाँ पे मटेरियल्स बने हैं जिनसे बनती है क्या, बीड्स. ये छोटी छोटी जो बीड्स होती है जिनकी माला वगैरह बनती है उनको बोला जाता है बीड्स. उसको बनाने के अलग अलग यहाँ पे रिमार्केबल मटीरियल मिला है. कुछ पत्थर मिले हैं जैसे कार्नेलाइन जो कि बहुत ही छोटा सुंदर रेड कलर का होता है, जैस्पर, क्रिस्टल क्वार्ट्ज, स्टेटाइट मिला है, मेटल्स मिले हैं जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फायंस,
टेराकोटा और बर्न्ड क्ले, जलीवी क्ले भी यहाँ पे मिली है. तो ये सब सामान मिला है. सम बीड्स वर मेड ऑफ टू और मोर स्टोन्स सीमेंटेड टुगेदर, सम ऑफ स्टोन विद गोल्ड कैप्स. कुछ बीड्स जो है उनको जोड़ा जाता था, एक दो या दो से ज्यादा स्टोन से बनी हुई होती थी और उनको सीमेंटेड यानी कि उनको जोड़ करके बनाया जाता था. ठीक है. कुछ स्टोन्स जो है उन पर गोल्ड कैप्स भी लगी हुई थी. द शेप्स वर न्यूमरस, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप, सेगमेंटेड. अब इनके जो शेप्स होते थे वो अलग अलग तरह के होते, कोई डिस्क शेप की होती थी, कोई सिलेंड्रिकल होती थी, कोई स्फेरिकल होती थी, कोई बैरल शेप की होती थी, कुछ सेगमेंटेड होती थी, इस तरीके से. सम वर डेकोरेटेड बाय इनसाइजिंग और पेंटिंग, कुछ जो है इनसाइज करके उस पर केयर करके कुछ या पेंटिंग करके थी. सम हैड डिजाइंस अटैच्ड ऑनटू देम, कुछ जो डिजाइन है उसके ऊपर लगाए गए थे. तो इस तरीके से अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर मिली हैं. नक्काशी जिसे कहते हैं उसको कहते हैं एज्ड. ठीक है. तो इस तरह की बीड्स यहाँ पर मिली हैं. अब यहाँ पे फिगर 1.13 के अंदर आपको एक टूल मिलेगा, टूल की फोटो दे रखी है और कुछ बीड्स की फोटोग्राफ दे रखी है. क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. No problem. Okay. Then we have the techniques. अब ये beads बनाने की अलग अलग techniques होती हैं, different differ करती हैं क्योंकि अलग अलग material से बनती हैं. Stalactite से जो बनती है वो बहुत ही soft stone होता है और easily काम उस पर आप कर सकते हो. छोटी छोटी beads जो होती थी उसको mold करके पेस्ट के साथ में स्टेटाइट पाउडर के साथ में मिक्स करके बनाते थे. कुछ जो थी उनको अलग अलग शेप्स में बनाते थे, कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में होती थी, हार्डर स्टोन से बनती थी. कुछ जो है वो बीड्स एक आर्कोलॉजिस्ट के लिए अभी भी पजल बनी हुई है कि ये कैसे समझ में आए कि ये किस टेक्नोलॉजी से बनी हुई है. तो ऐसे भी कुछ मटेरियल है जो मतलब बीड्स है जिनको वो समझ नहीं पाए हैं. टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल. स्टेटाइट अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वॉज इजिली वर्कड. टेक्निक्स जो है बीड्स बनाने की वो अलग अलग है, उनके मटेरियल पर बेस्ड है. स्टेटाइट से जो बनती है वो सॉफ्ट स्टोन होता है तो इजीली बन जाती थी. सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद द स्टेटाइट पाउडर. कुछ बीड्स जो है वो इस तरह के स्टेटाइट पाउडर से मिलकर के पेस्ट बना करके बनाई गई है, घोल बना करके एक तरीके से बनाई गई है. दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप्स. अब इस पाउडर और इसको घोल से मिला करके पेस्ट जो बना रहे हैं उसमें क्या है, इनको ये फायदा हो रहा है कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में ये लोग शेप्स दे रहे हैं. लाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन्स, अलग अलग वेराइटी के शेप्स में ये बीड्स बना रहे हैं. ठीक है. जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में होते हैं उनसे अलग बना रहे हैं. हाउ द स्टेटाइट माइक्रो बीड वॉज मेड रिमेन्स अ पजल फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग एंशियंट टेक्नोलॉजी. जो अभी एंशियंट टेक्नोलॉजी के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए स्टेटाइट माइक्रो बीड जो है वो किस तरह से बनाई गई है वो अभी भी एक पजल के तौर पर ही है. उनको समझ में नहीं आया है कि ये कैसे बनी है. क्लियर है? Yes, ma'am. Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material in beads at various stages of production. Archaeologists ने experiment जो किया उसमें ये सामने आया है कि ये red color की जो carnelian है उसका color कैसे निकला है, उसको गर्म करके अलग अलग yellowish raw material जो है उसको गर्म करके अलग अलग stages पे उसका production किया गया है. Nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into the final form. Nodules छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको इन्होंने अलग अलग शेप में डाला है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीजों के साथ में उसको चिप किया है, जोड़ा है छोटे छोटे टुकड़ों को रफ शेप में और फिर उसको बाद में उसको गर्म करके फाइनली फ्लेक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म. और बाद में उसको फाइनली फ्लेक्ड यानी कि उसके अलग अलग उसको शेप्स दे करके ग्राइंडिंग करके पॉलिशिंग करके ये सब अलग उसको शेप दिए हैं. ग्राइंडिंग पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कम्प्लीटेड द प्रोसेस. ये सारी तीनों चीजें जो है प्रोसेस को पूरा करती हैं, घिसना, पॉलिश करना, ड्रिलिंग करना, ये सब. स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट द चनहुडारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा. अलग अलग तरह के ड्रिल्स भी इनको यहाँ देखने के लिए मिला है अलग अलग साइट्स पे, चनहुडारो, लोथल और अभी रिसेंटली धोलावीरा में. If you locate Nageshwar and Balakot on map 1, you will notice that both the settlements are near the coast. अगर आप देखें location Nageshwar और Balakot की map 1 पर, तो आपको दोनों ही settlements जो है वो coastal areas के पास में मिलेंगे. These were specialized centers for making shell objects. ये वो centers थे जहाँ पर shell objects बनाए जाते थे, जिसके अंदर क्या बनते थे, including bangles, ladles and inlay, which were taken to other settlements. जिसके अंदर ये बनाते थे क्या, bangles बनाते थे, ladles बनाते थे और अंदर जो चीज भरी जाती है उसके वो बनाते थे. अः
अलग अलग सेटलमेंट्स पे भी ये लोग लेकर के गए हैं ये चीजें, क्योंकि कोस्टल एरिया पे सामान जो मिलने वाला है वो हर जगह पे तो अवेलेबल नहीं होता, इसलिए. सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सच एज बीड्स फ्रॉम चनहुदारो एंड लोथल वर टेकन टू द लार्ज अर्बन सिटीज सेंटर्स सच एज मोहनजोदारो एंड हरप्पा. उसी तरीके से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन जाता था जब प्रोडक्ट, तो जैसे कि बीड्स जो चनहुदारो से लोथल में जो बनाई जाती थी वो लेकर के जाई जाती थी बड़े अर्बन सेंटर्स जैसे मोहनजोदारो और हरप्पा. क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ओके, सो फिगर 1.14 के अंदर आपको पॉटरी देखने को मिलेगी. सम ऑफ दीज कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली और इन द साइट म्यूजियम एट लोथल. अब कुछ इस तरह की पॉटरी उस समय की जो है वो आपको म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगी, नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है और दूसरा साइट म्यूजियम जो कि लोथल में है. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. Till then, have a nice day ahead. God bless you all.